गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अरे ताऊ आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बेटा मैं तो नीचे कुल्फी खाने के लिए जा रहा था, बट नीचे तो मैं जा ही नहीं पा रहा। नहीं ताऊ मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, आप वहाँ पे जंपिंग जपंग करो, मैं इस साइड जाके इंट्रो कर देता हूँ। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हाँ मुझे पता है मेरी दाढ़ी नहीं है, बट क्या कर सकता हूँ, इसमें आपकी ही गलती है क्योंकि यार आप वीडियो को लाइक नहीं मारते। अगर वीडियो को लाइक मारोगे तो मेरी दाढ़ी वापस आ जाएगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे बैग पहना है, इसका मतलब क्या हो सकता है? आप सोचो। नहीं आप रहने दो, मुझे पता है आपने यह सोचा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे जहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। बाय द वे गाइस कहना पड़ेगा हर बार की तरह हमारी दुबई सिटी वैसे की वैसी मस्त लग रही है। और ये सामने सेस्ट किसने रखी? मैंने आज से पहले तो कोई सेस्ट वहाँ पे देखी नहीं, और वहाँ पे दो तीन मकड़ियाँ भी घूम रही है। मलिक यार दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या रे गड़बड़ी, कभी अभिजीत नहीं पकड़ सकता, हर बार मेरे को बोला रहता है दया कुछ तो गड़बड़े कुछ तो गड़बड़े। अरे सॉरी दया जी आप तो नाराज हो गए, मुझे लग रहा है कि आपको लॉकडाउन में दरवाजे तोड़ने के लिए नहीं मिले होंगे, इसी वजह से आप नाराज हो गए हो। तो गाइस दया को साइड में रखते और चल के देखते कि इस वाली सेस्ट के अंदर क्या रखा है। मलिक यार इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है, डायमंड्स गोल्ड या फिर पोपट निकल के हमारा पोपट भी बना सकता है। ओके तो सबसे पहले मैं स्पाइडरमैन के रिश्तेदार मलिक यार इस मकड़ियों को मारना पड़ेगा। वाओ इसको तो मैंने एक ही झटके में मार डाला। मलिक यार इसका कारण है रोज का वर्कआउट, जिससे मैं 1 किलो वजन घटाता हूँ। वो बात अलग है कि वर्कआउट की वजह से मैं डबल खाना खा जाता हूँ और 5 किलो वजन बढ़ा भी देता हूँ। वाओ क्या क्या चीजें निकली है, मलिक यार हमारा पोपट बन चुका है, ये तो सारी बच्चों के खेलने की चीजें है। ओके गाइस तो मैंने सारी चीजें ले ली है। बाय द वे ये सभी चीजें दिखने में तो नकली लग रही है, फिर भी यार टेस्ट करके देखेंगे क्योंकि यार हम वैसे भी वेले बैठे हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले लहंगा। तेज क्या लहंगा, ओ ये तो मुझे उड़ा रही है। गाइस इसका नाम लहंगा जरूर है पर ये तो प्लेन की तरह काम करती है। ठीक है हम इसको फिर से ट्राई करते हैं। वाओ यार सच में ये तो उड़ा रही है बहुत। तो गाइस ये तो रियल में स्पाइडरमैन का वेबकैम निकला, मुझे तो लग रहा था कि बच्चों का खिलौना है, बट यार मजा आ गया। तो यार अब ना हम इस वाले खंभे के ऊपर ट्राई मार के देखते हैं। मेरे में बहुत ही सूल थी इस वाले खंभे के ऊपर चढ़ने की, बट यार मैं शक्तिमान तो हूँ नहीं जो लोटे की तरह घूम घूम के इसके ऊपर चढ़ जाऊँ। लेकिन 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 अब मैं बन चुका हूँ स्पाइडरमैन। अबे कहने को तो मैं स्पाइडरमैन हूँ पर मेरी हंसी सुन के मैं थानोस से कम नहीं लगता। तो गाइस अब हम दूसरी चीज को देखते हैं, बट हमें यहाँ पे दूसरी चीज दी है गन। मलिक यार स्पाइडरमैन को गन का क्या काम? फिर भी कोई बात नहीं हम इस गन को फेंकने वाले नहीं है क्योंकि कोई भी चीजें मुसीबत के वक्त में काम आ सकती है। और नेक्स्ट वाली चीज तो सिंपल सा जाला है जो कि हमें आम वाली माइनक्राफ्ट के अंदर भी मिल जाता है। तो यार देखते हैं अब नेक्स्ट वाला छोटा सा जाला क्या है। यार इसका नाम तो लेजर है, मलिक यार ये क्या काम में आता होगा। ओके तो इसको यहाँ पे ट्राई मारते है और देखते है क्या कर सकता है। उड़ी बाबा यार ये तो बहुत ही मस्त वाला निकला। गाइस जो भी कहो ये वाला जाला तो बहुत ही कमाल का है, मलिक यार सिंपल वाले जाले से 10 गुना बेटर है। सबसे पहले तो इस वाले जाले को चारों तरफ फैला देता हूँ, किसी को लगना चाहिए कि यहाँ पे स्पाइडरमैन आया है। गाइस मुझे यहाँ पे बहुत ही मस्त वाला आइडिया आया है, सामने ताऊ है तो यार उसको थोड़ा सा परेशान किया जाए, हर रोज मुझे परेशान करते हैं। अरे यार ताऊ तो फंस गए। तो इससे पता चलता है कि वाले जाले बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, और जैसे एक खड़ूसी शक्ल टीचर की पहचान होते है वैसे ये जाले स्पाइडरमैन की पहचान होता है। तो गाइस हमने सभी जाले को पहले इस्तेमाल किया फिर उसके ऊपर विश्वास किया, अब इस वाली मास्क की बारी आ गई है। वाओ पता है मुझे इसमें कोई सोखने की बात नहीं है, बट कह सकते हैं कि ये वाला सूट मेरे ऊपर जज रहा है। तो गाइस इस वाले सूट को पहन के मेरे पास 3-4 प्रकार की शक्तियां आ गई है जो कि रजनीकांत के सिट्टी यार जो भी हो उस वाले रोबोट के पास भी नहीं है। तो इन शक्तियों में से पहली शक्ति है बाहुबली की समकदार तलवार जो कि हमें पावरफुल बना देती है। दूसरी शक्ति है बंदरों की जंप मारने की टेक्निक जो कि हमें डबल जंप करवाती है। और तीसरी शक्ति है गुलाबी दिल। तो गाइस अब वक्त आ गया है मेरे अंदर के पूरे इंसान को बाहर निकलने का। हाँ तो अब वक्त आ गया है इस वाले लाल सूट को निकालने के बाद काले सूट को ट्राई करने का। क्या आपको क्या लगा हम बुरे बन जाएंगे? नहीं हम ऐसे इंसान नहीं है, तो यार इसी बात पे वीडियो को लाइक मारो। देखा गाइस आपकी एक लाइक मारने की वजह से मैं कितना ओपी लग रहा हूँ, बट यार कोई बात नहीं ये सूट थोड़ा सा जेल जैसा लग रहा है इसलिए मैं लाल सूट को ही पहनने वाला हूँ और उसको ही रिफर करूंगा। ओके गाइस तो हम हीरो तो बन चुके हैं, बट एक हीरो अपने पूरे दिन के अंदर क्या करता है मुझे सोचना पड़ेगा। तो एक हीरो पूरे दिन के अंदर सबसे पहले उठता है, फिर खाना खाता है, फिर रखता है, फिर सो जाता है, और क्या करता है? और हाँ वो लोगों को धोता है। आई थिंक वो लोगों को नहीं धोता, वो तो विलन को धोता है। तो हमें विलन को ढूंढना पड़ेगा और उसको मारते हैं। 2 hours later
ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें एक विलन को ढूंढना पड़ेगा और उसको धोना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ना तो मेरे पास साबुन है और ना ही डिटर्जेंट पाउडर है। पर कोई बात नहीं, मैं उसको मिट्टी से धो दूंगा, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून है। अगर मिट्टी में खून हो सकता है तो एक साबुन क्यों नहीं। ओके, तो सबसे पहले मुझे गाँव वालों को पूछना पड़ेगा कि विलन का घर कहाँ पे है। पर मैं तो एक बात भूल गया, कोई भी हीरो घोड़े के ऊपर नहीं आता। अभी क्या बेकार सी लाइफ है हीरो की, मतलब यार हीरो को सल के जाना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे उड़ के ही जाऊंगा। मतलब कि गाइस हीरो भी मैं बनूं, सल के भी मैं जाऊं और विलेन को भी मैं मारूं, यार ये वाली बात तो अनन्या पांडे के स्ट्रगल से भी ज्यादा बड़ी हो गई। गाइस गाइस, सामने एक सासा है, मुझे तो लग रहा है यही विलेन हो गए, क्योंकि आसपास मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, और जब कोई ना हो ना तो वही विलेन हो सकता है। अबे ये वाले सासा तो मेरे जाल से भी निकल गए, पक्का यही विलेन है। अरे ये जाल साइना का तो नहीं है ना, क्योंकि यार ये काम ही नहीं कर रहे, डुप्लीकेट माल लग रहा है मुझे। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे पूरी दुबई सिटी के अंदर ढूंढा, मुझे एक भी विलेन नहीं दिखा, और मुझे लगता भी नहीं कि विलेन होगा, क्योंकि यार मेरे जैसे हीरो को देख के कौन विलेन मेरे साथ लड़ने के लिए आएगा। सेकेंड, मेरे पीछे कोई था क्या, आपने भी उसको देखा? मलकेर कोई लोगों को ऐसे जुले की तरह तो नहीं उछालेगा। ओके गाइस, फाइनली मुझे एक विलेन मिल गया है और मैं उसको मार के आता हूँ, क्योंकि किसी को पैसे देके अपने आप को हीरो कहलाने का कोई शौक नहीं है मुझे। वैसे कोई विलेन ना मिलता तो वही करवाने वाला था, बट यहाँ पे विलेन मिल गया है। गाइस वो वाला विलन सामने था, बट वो क्रिश से भी ज्यादा तेज दौड़ के मेरे पास आ गया है। मतलब यार मुझे तो लग रहा है कि यही क्रिश 5 का हीरो होगा। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैंने क्रिश 4 को काट दिया, पर क्रिश 4 का हीरो मैं हूँ। मुझे पता है मैं सबसे बढ़िया हूँ, पर मैं अपने आप की तारीफ नहीं करता, तो यहाँ पे हम इस वाले विलन को मारने में ध्यान देते हैं। गाइस इस वाले विलन को तो मैंने कहीं पे देखा है, अबे ये तो साइरन हेड है। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्त? अरे दोस्त बस चाय पीने के लिए आया था। चाय बना क्या? 5 रुपए की चाय पीने के लिए तू लोगों को मार रहा है और उछल रहा है। मतलब यार ये कैसी मोनोपोली हुई? तो ठीक है, इन लोगों को छोड़ देता हूँ और तुझे उछालता हूँ। क्या? मैं नहीं झूलता, मुझे झूला पसंद ही नहीं। क्या तुम मेरे साथ हाथापाई कर सकते हो? क्योंकि मुझे एक विलेन की तलाश है और तुम ही विलेन लग रहे हो यहाँ पे। अरे ओ सांपा, तुझे मैं विलन लग रहा हूँ? नहीं, मुझे विलन तो लग ही रहे हो, पर तुम ये आवाज कैसे बदल रहे हो? मुझे कोई एप्लीकेशन का नाम दो। अरे सांपा, इसे एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन तुम तुम्हारे पास ही रखो, पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सांपा कौन है। ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। अबे क्या बोल रहे हो, सस्ते रेशे करके आए हो क्या? ठाकुर सांपा काली हाथ, क्या लॉजिक है भाई ये? तू लड़ने के लिए आ। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि ये साइरन हेड मुझे मारने के लिए आएगा, तो मैं इसको ही पहले मारता हूँ। अरे मैंने तो इसको मार के गलती कर दी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब यार भाग भाग यार भाग। अरे साइरन हेड भाई, आप तो गुस्सा हो गए, आप मुझे जोश आओ बुला सकते हो। ठाकुर काली जोश आए हो, साय के बदले में कॉफी पा दूंगा, मेरा मतलब पिला दूंगा। गाइस मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने इसको मार के और भी गुस्सा दिला दिया, अब ये तो मुझे मारने के लिए आ रहा है।